राम राम कोडेस, आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल, ठीक है। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई टफनेस है, ठीक है। बस इसका जो कंसेप्ट है वो पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अगर आपको पीएनसी आता है तो भी ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू माई बेस्ट, और अगर आपको समझ में आता है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमसे डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक नंबर दिया रहेगा एन, आपको वन से लेकर के एन तक के सारे स्पेशल नंबर को का काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो स्पेशल नंबर क्या है यहाँ पर, इन्होंने दिया है कि वैसे नंबर जिनके सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं उनको हम लोग स्पेशल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन में ही जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 135, उसको ले, ठीक है। 135 ये एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से स्पेशल नंबर को काउंट करना है, कुछ 1 डिजिट वाले स्पेशल नंबर्स होंगे उनको तो पूरा लेना है, ठीक है। कुछ 2 डिजिट के स्पेशल नंबर होंगे उनको तो पूरा लेना है, 3 डिजिट के भी स्पेशल नंबर होंगे उनको पूरा नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। क्यों पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि ये जो 3 डिजिट नंबर है वो हमें 135 दिया हुआ है, ठीक है। तो 135 से बड़ा जैसे 136 ये भी एक स्पेशल नंबर है, बट वी डोंट हैव टू इंक्लूड इट, हमें 1 डिजिट तो पूरा इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो सारे नंबर्स आ जाएंगे 135 से लेस देन में, लेकिन और सेम वे में 2 2 डिजिट के भी जितने स्पेशल नंबर है वो भी सारे आ जाएंगे 135 से लेस में, लेकिन सारे 3 डिजिट स्पेशल नंबर 135 से लेस में नहीं आएंगे। तो इसको हमें अलग से केस हैंडल करना पड़ेगा, 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले सारे स्पेशल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब 1 डिजिट और 2 डिजिट, और जैसे मान लेते हैं कि 1 3 5 4, अगर 4 डिजिट है तो इस केस में 1 डिजिट के भी सारे स्पेशल नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, 2 डिजिट के भी सारे नंबर को स्पेशल डिजिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 डिजिट के भी सारे स्पेशल नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, और 4 डिजिट को हमें अलग से देखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू दिस नंबर जितने भी स्पेशल नंबर्स होंगे उनको लेना होगा, और उससे जितना भी आगे होगा वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें 1 2 और 3 डिजिट के जितने भी स्पेशल नंबर है उनको इंक्लूड करना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पीएनसी का एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको 3 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर यूनिक डिजिट से आप कितने बना सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिट के लिए, ठीक है, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1 2, इस तरीके से 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, उसके लिए आप, क्योंकि यहां पर से तो आपने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहां पर 9 था तो यहां पर 8 बचा, तो यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे, यहां पर भी 9 ही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट को आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो 0 से शुरू नहीं होगा, ठीक है, पर बीच में या एंड पे तो 0 आ सकता है ना। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास एक यूज करने के बाद भी एक 9 डिजिट्स ही बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास 9 ऑप्शंस है। देन अगेन नेक्स्ट के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, क्योंकि अब 8 भी, मतलब 8 डिजिट तो यहाँ पर से एक इस्तेमाल कर लिया था हमने, 8 डिजिट बचा था और अभी 0 लेके 9 हो गया था, ठीक है। अब इनमें से एक हमने सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास 8 डिजिट बचे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगेन 7 डिजिट 6 डिजिट, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तो जितना भी हमें लेना है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर तो हमें कोई दिक्कत का बात हुआ नहीं, ठीक है। जैसे 135 था, यहाँ पर 135 वाले एग्जांपल पे ही चलते निकाल हैं, रहे थे तो 135 से लेस देन और इक्वल टू सारे जितने भी स्पेशल नंबर्स हो सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने 135 से जितने भी लेस हो सकते हैं उसको निकालने का प्लान किया, ठीक है। तो 135 से, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट सारे नंबर्स तो आ जाएंगे क्योंकि वो 135 से छोटे होने वाले हैं, 2 डिजिट भी सारे नंबर हो जाएंगे क्योंकि वो 135 से अगेन छोटे होने वाले हैं, 3 डिजिट में जो है वो सारे नंबर्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो उससे छोटे नहीं है, ठीक है। कुछ ही नंबर्स हैं जो कि 135 से छोटे हैं, और बाकी मेजोरिटी ऑफ द 3 डिजिट नंबर तो 135 से बड़े ही, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जो कि 135 से छोटे हैं और 3 डिजिट नंबर हैं और स्पेशल, अब हमें उसको निकालना है।
तो उसको निकालने के लिए हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक विजिटेड एरे बनाना होगा। ठीक है, विजिटेड एरे हम क्यों बनाएंगे? विजिटेड एरे हमें इसलिए बनाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी डिजिट को हम दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए हमें विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी डिजिट हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम उसे दूसरे बार इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें विजिटेड एरे बनाना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं 135 को ही लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो 135, ठीक है, तो हमें सारे 3 डिजिट नंबर चेक करने हैं जो कि स्पेशल हैं और 135 से छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लेस को अगर हम चूज करें, ठीक है, तो इससे छोटे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है? इससे छोटे तो सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है, और 0 भी क्या पॉसिबल है, 0 तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो इन दिस केस वी विल डिसरिगार्ड। ठीक है, 0 आएगा एक पॉसिबल, पर विल डिसरिगार्ड कि यहाँ पर 1 तो मिनिमम प्लेस वैल्यू होगा ही होगा, 1 से छोटा 3 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, 1 से छोटे डिजिट से शुरू होने वाला 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 5 होता, 5 35 होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 से सारे स्टार्ट होने वाले सारे 3 डिजिट नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाले सारे 3 डिजिट नंबर, 3 से स्टार्ट होने वाले सारे 3 डिजिट नंबर, 4 से स्टार्ट होने वाले सारे 3 डिजिट नंबर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि 1 से ही शुरू हो रहा है, तो 1 से छोटा हम क्या बोलेंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट नंबर, तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर डिसरिगार्ड हो गया। ठीक है, और 1 यहाँ पर हमने मतलब बोल दिया कि 1 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1 से छोटा हम 3 डिजिट नंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते एट अ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट प्लेस। ठीक है, तो खत्म कहानी। अब यहाँ पर इसको हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे क्योंकि 1 यहाँ पर फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 3 पे आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने कराया है आई थिंक गो प्रो विद ब्रो कोडर्स वाले प्लेलिस्ट में, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करके आएंगे ना तो आपको ये बहुत आसानी से होगा। ठीक है, अगर आपने उस क्वेश्चन को किया है तो वो बहुत ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो थोड़ा सा टफ होगा। तो ये आई बटन में आ रहा होगा लिंक, आप उसको एक बार क्लिक करके या तो अभी देख के आओ या फिर इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, ट्राई जरूर करना क्योंकि वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इससे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट डिजिट फिक्स कर दिया, अब हम सेकेंड डिजिट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 फिक्स हो चुका है, अब यहाँ पर हम क्या क्या और डिजिट डाल सकते हैं, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा हम क्या डाल सकते हैं, 3 से छोटा हम यहाँ पर डाल सकते हैं 0 1 2। ठीक है, पर 1 तो हमने इस्तेमाल कर लिया और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 1 को यहाँ पर विजिटेड मार्क किया हुआ है, तो हम 3 से छोटा सारे नंबर्स को काउंट करेंगे जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर से 1, ये 2, ये। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही डिजिट है जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड 2 यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 लेके आ गए, ठीक है, यहाँ पर अब हम या तो 0 रख सकते हैं या तो हम रख सकते हैं 2। ठीक है, क्योंकि 1 हम अगर रखेंगे तो ये स्पेशल वाला जो केस है वो तो यहाँ से आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने 0 रख दिया, अब लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बच रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर हमने 2 रख दिया, अब हमारे पास लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बच रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आउट ऑफ हमारे पास 10 डिजिट्स होते थे, 10 डिजिट्स होते थे, यहाँ पर हमने 2 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, 2 डिजिट का हमने इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास कितने डिजिट्स बच रहे हैं? अब हमारे पास 8 डिजिट्स बच रहे हैं, तो यहाँ पर से हम 8 और परमुटेशन बना सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है 102, 103, ठीक है, सेम वे 104, 105, 106, 107, 108, 109। ठीक है, और सेम वे इधर 1 2 यहाँ पर जब फिक्स हो गया तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 1 2 0। ठीक है, सेम वे 1 2 4 1 2 5, इस तरीके से 8 8 दोनों जगह से पॉसिबल होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर से भी 8, यहाँ पर से भी 8, तो यहाँ पर से टोटल अगर हम बोले तो कितना बोल सकते हैं कि सेकेंड डिजिट पे, ठीक है, 135 था। ठीक है,
यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट डिजिट को हमने फिक्स कर दिया, सेकेंड डिजिट को हमें 3 से छोटा रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, 0 एंड 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्योंकि एक डिजिट इधर इस्तेमाल हो चुका है, एक डिजिट इधर इस्तेमाल हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास और 8 ऑप्शन बचेंगे, तो 2 इंटू 8, ठीक है। और जैसे ही हमने 3 को इस्तेमाल कर लिया, वैसे ही हम 3 वाले को भी मार्क यहाँ पर ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है दिक्कत आएगा। तो अब मैंने 1 को इस्तेमाल कर लिया है, और अब मैंने 1 और 3 दोनों को इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, 1 3 फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर 5 से छोटा कितना कितना डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 5 से छोटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं 0, 5 से छोटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 एंड 3 ऑलरेडी मार्क ट्रू है, मतलब हमने क्या किया है, इसको ऑलरेडी विजिट कर लिया है, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे नंबर्स में आ चुका है, तो दूसरी बार तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि स्पेशल वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर जो जो ट्रू मार्क्ड है, ऑलरेडी विजिटेड मार्क्ड है, उन सबको हम यहाँ पर से हटा देते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 भी जब फिक्स हो गया, 5 भी जब फिक्स हो, 1 भी फिक्स हो गया, 3 भी फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 से छोटे हम कितने सारे नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 डिजिट्स को, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हुए, सबसे पहले 1 डिजिट सारे स्पेशल नंबर्स 9, ठीक है, 1 से सारे स्पेशल डिजिट 9 से, देन 2 से सारे स्पेशल नंबर हमारे पास कितने हुए, 81, देन हमारे पास 3 डिजिट में कितने हुए, 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से छोटे से स्टार्ट होने वाले, तो 0 हो गए, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा तो और कुछ भी रह नहीं सकता। देन 1 के बाद हमने 3 से छोटा कितना फिक्स किया, 3 से छोटा में मतलब 3 डिजिट, यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है वो 3 से छोटा हो, वैसा हमारे पास कितना होगा, 2 हो सकता है, 0 एंड 2, ठीक है। इसको हमने फिक्स किया, तो हमारे पास कितना रिजल्ट निकल गया है, 16, ठीक है। और अगेन जब हमने यहाँ पर आगे बढ़े, हम यहाँ पर 1 3 के बाद जब हम यहाँ पर 5 पे है, ठीक है, तो 5 से छोटा हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 2 4, ठीक है, यहाँ पर से 4 सॉरी 3 आ गया। और अगेन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1 3 5 जो एक्चुअल नंबर हमें दिया हुआ है वो भी एक स्पेशल नंबर ही है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो यूनिक नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो ये भी एक हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने स्पेशल नंबर निकल के आए जो कि 135 से छोटे या बराबर है, तो ये हुआ 90 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 20, ठीक है, तो टोटल हो गए 110। अगर आपको ये डिक्शनरी वाला वो प्रॉब्लम किया हुआ है तो ये आसानी से समझ में आएगा, और अदरवाइज अगर पीएनसी स्ट्रॉन्ग है तो ये आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको बहुत टफ होगा समझने में, ठीक है। तो आई होप पीएनसी थोड़ा आप लोग भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये टफ होता है समझाने में और विजुअलाइज कराने में सामने वाले को, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर से जो कि हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके कोड वॉक थ्रू पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 135 वाला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था, उसी के साथ हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमने कोड किया, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हमें 1 डिजिट से स्टार्ट होने वाले 1 डिजिट वाले सारे स्पेशल नंबर को काउंट करना है, और 2 डिजिट वाले सारे स्पेशल नंबर को तो काउंट करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 3 डिजिट वाले स्पेशल नंबर से छोटे होने वाले हैं, वो जो हमारा नंबर दिया उससे छोटे होने वाला है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का हमने सिंपल सादा तरीका निकाला था कि अगर हमें 4 डिजिट से स्टार्ट होने वाले सारे स्पेशल नंबर्स निकालने, 4 डिजिट के सारे स्पेशल नंबर को हमें काउंट करना है, तो फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस हैं। देन नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, अगेन 9 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर आगे के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस है, आगे के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस है, इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास ऑप्शंस कमते जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आप एक बार पॉज कर लेना और बस आप समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं टफ, कि यही बस ये जो मल्टीप्लीकेशन है वही मल्टीप्लीकेशन को मैंने लिखा है, और एंड पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 9 आपका सीधा सामने वाला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमने बात किया था, हम विजिटेड एरे बनाएंगे। विजिटेड एरे क्यों, क्योंकि कोई भी एक नंबर जो है
वो हम एक ही बार इस्तेमाल करें, ये हमें ये इंश्योर करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये हम 1 फिक्स हो चुका है, अब 3 वाले के लिए हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 से छोटा कौन कौन सा डिजिट हम यहाँ पर रख सकते हैं? 3 से छोटा हम यहाँ पर रख सकते हैं 0, 2। ठीक है, 1 हम नहीं रख सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिटेड मार्क हो चुका है। ठीक है, तो जो अभी तक विजिटेड मार्क नहीं है और 3 से छोटा है डिजिट, उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट डिजिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अगर फर्स्ट डिजिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो इससे 1 से छोटा कौन सा डिजिट है? 1 से छोटा एक डिजिट है 0। ठीक है, तो इसमें तो बता रहे हैं कि 1 से छोटा एक डिजिट है, एक्चुअली में है भी, पर हम 0 से कभी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इफ आई इज इक्वल टू 0 तो वहां पर स्मॉल माइनस माइनस, ठीक है, तो स्मॉल का काउंटर हमें एक रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि 0 हर एक डिजिट से स्मॉल तो वो नहीं वाला है, लेकिन हम उसको सबसे सामने नहीं रख सकते क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स फिर कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है कि यहाँ पर तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया कि 0 और 2 ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे? ठीक है, तो यहाँ पर 1 फिक्स हो चुका है, यहाँ पर 0 और 2 में से कोई भी एक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स बच रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 10 माइनस i माइनस 1। ठीक है, ये 10 माइनस i माइनस 1 क्या हुआ? ठीक है, i का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है? 0, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर i का वैल्यू क्या होने वाला है? ये होने वाला है 1। तो यहाँ पर हमने, अगर हम इस डिजिट को फिक्स कर रहे हैं, तो हमने कितने डिजिट को फिक्स कर दिया? 2 डिजिट को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट बचे। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, अगर मान लेते 235 होता, ठीक है, 235 होता, तो यहाँ पर हम क्या करते? 10 माइनस 0 माइनस i। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसी डिजिट को फिक्स किया है, तो अभी भी हमारे पास 9 ऑप्शंस और बच रहे हैं। ठीक है, तो ये रिमेनिंग डिजिट का हमने निकाल लिया, और फिर रिमेनिंग डिजिट के साथ हम जैसे इस परम्यूटेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी अपना होगा आंसर उसको इसमें ऐड कर लेंगे। आंसर क्या होगा? जितने भी इसके स्मॉल इससे पॉसिबल है और इसके नेक्स्ट के जितने भी परम्यूटेशन हो सकते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कब करना होता है, ऐड कब करना होता है, ये भी हमने बहुत सारे कोड फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट में ये चीज कवर किया है। कोड फोर्सेस में इन जनरल कॉम्बिनेटरिक्स मिलता है हमें, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज आप पीएनसी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आसान रहेगा। और अगर ये चीज आपने ऑलरेडी यूज नहीं किया है कभी, ये डिजिट आपने कभी ऑलरेडी यूज नहीं किया है, तो आप इसको विजिटेड मार्क कर दो, और ये आपने कभी ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप ब्रेक कर जाओ। क्यों ब्रेक कर जाओ, ये वाला चीज भी समझने वाला है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा नंबर रहता 1, 3, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 से छोटे वाले सारे डिजिट फिक्स करके देख लिए कितने हो सकते हैं, 3 से छोटे सारे डिजिट फिक्स करके देख लिए, यहाँ पर अगेन हम 3 से छोटे जितने भी डिजिट हो सकते थे उन सबको फिक्स करके देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब 3 अगेन सेट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1, 3, 3 रिपीट हो गया, तो यहाँ पर रिपीटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1, 3, और यहाँ पर 3 से छोटे तो सारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर हम 3 फिक्स कर देंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ब्रेक कर जाएंगे, और इन द एंड हम चेक करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ था 135, यहाँ पर हमारा कितना डिजिट हमने विजिट किया? यहाँ पर हमने 3 डिजिट विजिट किया। ठीक है, अब क्या तीनों डिजिट हमारे यूनिक है? ठीक है, यस, सारे तीनों डिजिट हमारे पास यूनिक है, तो अगर सारे डिजिट यूनिक हैं तो जो भी हमारा आंसर था उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रेंज था वो इंक्लूसिव था 1 से लेके n तक में। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस चेक कर लो कि मतलब इधर इस तरीके से मैंने किया है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि काउंट ऑफ डिजिट जिस तरीके से भी आप निकाल लो, काउंट ऑफ यूनिक डिजिट्स आपको निकालना है। इफ काउंट ऑफ यूनिक डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब सारे डिजिट यूनिक हैं, तो आप आंसर का वैल्यू एक और बढ़ा दो और रिटर्न कर दो आंसर। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, या फिर एटलीस्ट एक आइडिया तो लग गया होगा, और इसके बाद से आप खुद से जब सोच के लिखने का कोशिश करोगे तो आराम से आप इसको लिख पाओगे। रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी आई बटन में आ रहा होगा, उसको एक बार फॉलो कर लेना, उससे काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो काफी हेल्प होगा। और पीएनसी वाले थोड़े कंसेप्ट लग रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा वीक है तो उसको आप थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।